हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के न्यू टाइम टेबल के बारे में। जैसे कि गाइज आपको पता है सीईटी का एग्जाम कैंसिल हुआ है, अभी 11th का जो ऑनलाइन एडमिशन है वो किस तरह से होने वाला है उससे रिलेटेड एक लेटेस्ट टाइम टेबल आया है। वो टाइम टेबल क्या है वो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रेगुलर राउंड वन के लिए टाइम टेबल यहाँ पे पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली आपको पब्लिश ऑन 13 अगस्त आज के डेट में ही ये पब्लिश हुआ, मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो मैं यहाँ पे ये ओपन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो ये 11th ऑनलाइन एडमिशन का जो टाइम टेबल है यहाँ पे दिया गया है। 14th अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपको कुछ पार्ट वन का फॉर्म फिल करने का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट वन कर सकते हो, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकते हो, कुछ एडिट वगैरह करने का है तो वो कर सकते हो। स्टूडेंट कैन सेंड द एप्लीकेशन फॉर अ कोटा एडमिशन अगर चाहिए जूनियर कॉलेज में तो वो भी आप लोग इसी दरमियान कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल सीट्स, मतलब जो आपका कॉलेजेस है उनका अवेलेबिलिटी सीट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। चॉइस ऑफ फिलिंग पार्ट फॉर्म टू, तो पार्ट फॉर्म टू का यहाँ पे फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा और राउंड वन विल स्टार्ट, तो राउंड विल वन भी इसके बीच में ही चालू हो जाएगा। न्यू स्टूडेंट कैन ऑल्सो सबमिट देयर पार्ट वन एंड पार्ट टू ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। तो देखिए मतलब आप लोग 22 तारीख के बीच में 17 तारीख से आगे लेके पार्ट टू का भी फॉर्म फिलिंग करोगे और पार्ट वन का भी फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो इस तरह से ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस यहाँ पे चलता जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कोटा एडमिशन वगैरह, माइनॉरिटी वगैरह, इन हाउस वगैरह, ये सब एडमिशन इसी दरमियान होने वाले है। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो 23 अगस्त को डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट, तो प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पे होने वाली है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, जिसमें आपका नंबर वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएगी। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं ग्रीविजनल ग्रीवियंस रेडिसल मॉड्यूल वगैरह यहाँ पर आप लोग जाके ग्रीवियंसल सेंड कर सकते हो, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको 23 से लेके 24 अगस्त के बीच में करने का है। तो 25 को यहाँ पे फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट लगने वाली है और 25 को ही टाइम रिजर्व फॉर अ डेटा प्रोसेसिंग दिया गया है, मतलब आपका डेटा है उसका प्रोसेसिंग होगा। एंड 27 अगस्त को डिस्प्ले ऑफ अ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ द राउंड ऑन द पोर्टल, तो यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट लगने वाला है। दैट इज 27 अगस्त को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलोकेट हुआ है, ये सब चीज़ें आपको अपने लॉगिन आईडी में पता चल जाएगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में आपको अपना एडमिशन कन्फर्म करने का है, जहाँ पर भी कॉलेज लगा है वहाँ पर। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सब एडमिशन का प्रोसेस आप लोग को करने का है, उस कॉलेज का ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी रहे आपको कॉलेज बता देगा और ये सब चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। ये सब 27 अगस्त से लेके आगे आपको कर देने का है। देन उसके बाद आप लोग देख सकते हो आगे 30 अगस्त से लेके आगे यहाँ पे दिया है टाइम ऑफ जूनियर कॉलेज टू अपलोड द स्टेटस ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट ऑन द वेबसाइट एंड 30 अगस्त के बाद डिस्प्ले फॉर वैकेंसी लिस्ट फॉर द रेगुलर राउंड टू। तो रेगुलर राउंड टू का जो प्रोसेस है वो 30 अगस्त के बाद चालू होगा। तो यहाँ पे अभी जो टाइम टेबल दिया गया है ये रेगुलर राउंड वन के लिए दिया गया है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द जो भी आपके जो भी टास्क होने वाले हैं सब ऑनलाइन होने वाले हैं, पेमेंट वगैरह ये सब चीज़ें भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ऑनलाइन नेट ट्रांसफ़र वगैरह, बैंक ट्रांसफ़र वगैरह, NFT वगैरह, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। राउंड टू का जो डिटेल्स है, राउंड थ्री का जो डिटेल्स है, राउंड फोर का जो डिटेल्स है, आप लोग को यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट देके रखा है 31 से लेके 4 वगैरह या 5 से लेके 11th या रहेगा सितंबर या 12 से लेके 17 सितंबर तक, ये सब चीज़ें दी है। लेकिन इसका जो भी डिटेल्स है वो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल आपका जो पार्ट वन का फॉर्म फिलिंग है ये 14 अगस्त मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है और आगे का प्रोसेस आपको 22 अगस्त तक कंप्लीट कर देने का है। पार्ट वन पार्ट टू ये दोनों भी फॉर्म फिलिंग आपको तब तक कंप्लीट कर देने का है। तो देखिए गाइस आप लोग अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए और फटाफट अपना पार्ट वन और पार्ट टू का फॉर्म जैसे ही डेट आए कंप्लीट कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात गाइस यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है, अगर किया रहेगा तो भी और अगर नहीं किया रहेगा तो भी आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है ये फिर से करने का है। तो मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन का जो भी लॉगिन आईडी है पासवर्ड वो यूज़ करके आपको कुछ नहीं करने का, वो जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, तो ये फ्रेश है तो इसका आप लोग ज़रूर यूज़ करिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू।